हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब रुख अगली अहम खबर का करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यस बैंक के किसी भी निवेशक का पैसा नहीं डूबेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी साफ कर चुकी हैं कि किसी का पैसा नहीं डूबेगा, और उसी बात को अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी दोहराया है। कांग्रेस के समय लोन बांटे गए थे, ये बात उन्होंने कही है। हमारी सरकार तो केवल इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि किसी निवेशक का पैसा डूबेगा नहीं। यस बैंक का सवाल है तो सरकार तो सख्ती से कार्रवाई कर रही है, आप देख रहे हैं स्टेट बैंक उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और निर्मला जी, हमारी वित्त मंत्री जी ने विस्तार से बताया है कि जिन लोन के कारण यस बैंक की हालत दमाडोल हुई है, वो लोन कब दिया गया था? जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री और श्रीमान वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब थे, फोन बैंकिंग होती थी ना, इसको लोन दो, उसको लोन दो, इसको लोन दो और उससे कट लो। तो ये कट लेने का सिस्टम जो चलता था, उसके कारण संस्थाएं परेशान होती हैं। हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है और किसी भी डिपॉजिटर्स का अहित नहीं होगा। धन्यवाद। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।